आप आएँ और हमें शुक्रिया का मौका दें, लेकिन हमारा वाले टेस्ट जो है ना वो आपको मिल नहीं पाएगा। आप आएँ और एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करें। ये बीफ पेटी है, ये हमारा आया मायो गार्लिक, दिस इज इट कराची। अस्सलाम वालेकुम सर, आप खड़े हैं अभी तुर्किश पिज़्ज़ेरिया के ऊपर और मेरा लोकेशन जो है वो आप आएंगे नेपा से, जब आप आ रहे होंगे यूनिवर्सिटी की तरफ, तो यूनिवर्सिटी से जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, जस्ट मेट्रो कैश एंड कैरी से पहले टाइम स्क्वायर है, साथ में ही हमारा इब्ने सीना हॉस्पिटल है, इब्ने सीना हॉस्पिटल के साथ टाइम स्क्वायर की शॉप नंबर 12, इस पर हमारी तुर्किश पिज़्ज़ेरिया के नाम से जो ना शॉप है। आप आएँ और हमें शुक्रिया का मौका दें। हमारे जो प्लेटर की जो प्राइस है वो है 1090, क्योंकि एक्चुअल अभी थोड़ा सा प्राइस हमने बढ़ाया है इसका, ये हमारा 990 का था, लेकिन अभी हमने 100 रुपये इसका जो ना प्राइस बढ़ा दिया, 1090 का किया। आपको पता है हालात की वजह से बढ़ाया, वरना हमें बहुत शर्मिंदगी होती है। और हमारे रेस्टोरेंट की टाइमिंग जो है वो है 6 बजे से लेके रात के 2 बजे तक। बेसिकली कराची के अंदर जो है बर्गर प्लेटर लॉन्च करने वाला मैं हूँ और मैंने ही बर्गर प्लेटर लॉन्च किया है, लेकिन हमारा वाला टेस्ट जो है ना वो आपको मिल नहीं पाएगा। आप आएँ और एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करें, ये मेरे आपसे जो ना शर्त है कि आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा जो ना बर्गर प्लेटर का टेस्ट कैसा है। अच्छा जी, ये हमारा बर्गर प्लेटर का ये पहला बर्गर स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हमारा सबसे पहले चलता है ये चिली गार्लिक सॉस, उसके ऊपर लगता है ये हमारा आइसबर्ग के बाद इस पर आता है हमारा बीफ पेटी है, इसके ऊपर हमारा आ जाएगा सॉस, इस पर हमारी आएगी ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पिकल्स, ये टेंगी सस आपको जो ना वो देगा, और ये हमारा ये बर्गर प्लेटर का तैयार हो गया। इसमें हमारा सबसे पहले जो आएगा वो आ जाएगा जलापेनो सॉस, उसी तरीके से आइसबर्ग, उसके ऊपर हमारी ये आ गई ब्रेड क्रम हुई हुई चिकन पेटी, ये हमारा आया मायो गार्लिक सॉस जो हमारा सिग्नेचर सॉस है, और ये हमारा सेकंड बर्गर प्लेटर का बर्गर तैयार। अब हमारा आ गया ये तीसरे बर्गर का मेन बर्गर, ग्रिल सबवे बर्गर, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले हमारा लगता है हॉट सॉस, उसी तरीके से हमारा इस पे आ गया आपका आइसबर्ग, आइसबर्ग के बाद इस पे हमारी आती है वेजी, वेजी में आ गया ये टमाटो, कैप्सिकम, ये जो सब्जियां आती हैं सब्वे के हिसाब से बन रही हैं, ऑनियन आ गई है आपकी, ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देता है ये सब्जियां। इसके ऊपर एलोपिनो, ये एलोपिनोज वगैरह जो है हम अपने खुद बेकिंग कर रहे हैं, और इसके ऊपर आ गया ऑलिव, फिर उसके ऊपर जो है हम हल्का सा जो है एक सॉस की टॉपिंग करते हैं, ताकि ये सारी वेजी जो है एक साथ हो जाए, एक ये चीज़ की स्लाइस है, और उसके ऊपर जो है ये हमारा ग्रिल हुआ हुआ, अब इस पे आ जाएगा हमारा मायो सॉस, और ये हमारा प्लेटर का मेन बर्गर तैयार।
इसके बाद हम आपको इस बर्गर प्लेटर के साथ 3 अदद फ्राइड हुआ हुआ विंग्स हैं। अच्छा, विंग्स जो है वो हमारे सिंगल नहीं है, ये विंग्स हमारे फुल विंग्स हैं। इसके साथ साथ बर्गर प्लेटर का नाम हो और उसमें फ्राइज ना हो, नामुमकिन सी बात है। ये इसकी फ्राइज आ गई, ये भरपूर सा फ्राइज आ गया। अच्छा जी, फ्राइज खाली खाने में मज़ा नहीं देता, इसके लिए हमने ये सॉस की टॉपिंग की है इसके ऊपर, और इसको खूबसूरत करने के लिए हल्की सी। अब जाहिर सी बात है, आप लोग खाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि रूखा रूखा सा हो गया, तो जी उसके लिए हमने आपको ये एक डिप सॉस दिया है, और उसके साथ हमने आपको एक ये कोल्सलो भी दे रहे हैं। ये आपका फुल आइटम बर्गर प्लेटर का। ओ वाओ, वाओ, ओ वाओ। कराची इज द लैंड ऑफ बर्गर्स।